मेरे बंधुओं, मेरे दिन वो दिन सबसे बड़ा उत्सव का दिन होता है जिस दिन किसी घर में कोई बेटिया जन्म। इसलिए लड़का एक फूल को तारता है, बेटिया तो दो फूलों को तारती है, पिता के भी फूल को और पति के भी फूल को। मेरे बंधुओं, तुम अपनी अच्छाइयों को मत भूलाना, लेकिन अपनी अच्छाइयों को भूलना भी मत। तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक बात लोग कहते हैं कि मैं आगे। ऐ क्यों नहीं हम सब आगे बढ़ें? एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें। क्यों नहीं? क्यों? किसी भी भगवान के मूर्ति में देखो, दाढ़ी मूछ देखी तुमने? कभी सोचा तुमने क्यों? सोचा? जानते हो, आखिर पुरुष है तो दाढ़ी मूछ तो होगा। क्यों? ये प्रतीक है कि प्रथम शरीर नारी का है, और जैसे ही और उद्भूत शरीर परमात्मा का है, जो शून्य से शुरू होता है, जो ब्रह्म है, और सातवां शरीर पुरुष का है। तो जब पुरुष को महात्मा बनना पड़ा, तो शरीरों को छोड़ते हुए उतरते हुए नीचे आया, और आते 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 पुरुष नित्वत साध्य पतत दिव्यम कृतस जीनस्व साध्यत और नारी के शरीर में प्रवेश किया। उसके बाद देवता और फिर ब्रह्म के शरीर में आया। तो जैसे ही नारी के शरीर में आया, मां बनने के पहले सारे दाढ़ी मूछ झड़ गए। इसीलिए किसी भी मूर्ति में दाढ़ी मूछ नहीं है, नारी का शरीर है। और देख लेना, बड़ा बड़ा बाल भी है। सोचो शिव को भी, भोले बाबा जिसको जोगेश्वर कहते हो, उनके भी बाल बड़ा है। तो दाढ़ी मूछ किसको नहीं होता है, बाल बड़ा किसका होता है? तो देखो उनका भी स्वरूप नारी का है। तो नारियां कहीं भी छोटी नहीं है, उनका भी स्वरूप नारी का है, किशोरावस्था का। तो मेरे बंधुओं, अब तुम्हें अपने कॉम्बिनेशन को बैठाना है। तुम जन्म से भी जीता हो, अब बताओ तुम अपने जैसा किसी को देखी बाबू? देखी नहीं, यू आर ओरिजिनल। तुम जेरक्स नहीं हो कि तेरा कोई दूसरा कॉपी मिल जाएगा। यू आर ओरिजिनल, तू ओरिजिनल हो इस संसार में, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कारण कि यू आर मास्टरपीस। यू ऑल आर मास्टरपीस, सो यू आर मास्टरपीस। यू ऑल आर मास्टरपीस, सो यू आर मास्टरपीस। तुम मास्टरपीस हो, ओरिजिनल हो, तुम यूनिक हो। Nobody is like that you. Hey, आगरे का ताजमहल के बगल में अगर दूसरी ताजमहल बन जाए तो उसकी महत्व कम हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने सोचा कि तुम इस दुनिया के लिए यूनिक रहो, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। और वो गर्व करता है अपने बेटियों को देखकर कि इसके जैसा कोई बनाया ही नहीं। और जानते हो, ब्यूटी शब्द नारी से आया। किसी पुरुष को नहीं कहते हैं he looks so beautiful, कहते हैं क्या? ब्यूटी किसके लिए यूज होता है? तो सौंदर्यता शब्द भी नारी को आया। तो नारी में जो एक अंश ज्यादा है, जिसको सोमरस कहते हैं, इसलिए वो पूर्ण होती है। और पूर्ण होते ही आदमी सुंदर होगा। जो आदमी को टेंशन कम हो, अच्छे से सोए, अच्छे से काम करे, बैलेंस रहे, हर चीजों को कॉम्बिनेशन बैठा के रखे, वो शांत रहेगा और सुंदर रहेगा। आज बच्चियां पढ़ने लगी है तो बच्चों से अच्छे रिजल्ट बच्चियों के होते हैं। बच्चों से अच्छे रिजल्ट बच्चों के होते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अच्छे करने वाले के पास दुख पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा। क्या है? हर भगवान को आया है। ए सीता की रक्षा करने राम गए तो क्या से क्या नहीं बन गए। द्रौपदी की रक्षा करने कृष्ण गए तो देख हालत क्या हो गई उनकी, क्या महाभारत और कहां से कहां नहीं खोना पड़ा और क्या नहीं जाना पड़ा। यही अहिल्या को तरण करने राम गए तो क्या से क्या नहीं हो गए। ए मेरे बंधुओं, आजकल अगर कोई भी अच्छी काम करने चलो तो उसमें बहुत संघर्ष आएगा, बहुत तकलीफें आएगी, बहुत बुराइयां आएगी, तरह तरह की बातें आएगी, लेकिन उस फेरे में मत पड़ना। ए यू कैनॉट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। यू कैनॉट चेंज द ट्रूथ,
दुनिया में बुराइयां कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी किसी को गाली दे दे, महावीर को गाली दिया, बुद्ध को गाली दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, जहर पिला दिया, सुकरात को कांटे चुभा दिए, महावीर को कांटे चुभाए, सांप क्या क्या नहीं किए, करते गए, सारी यातनाएं देते गए, लेकिन वो निखर निखर कर भगवान हो गए और यातना देने वाले पाप कर करके शैतान बन गए, पाप कर करके शैतान बन गए। इसलिए मेरी बेटियों, कोई चिंता मत करना, तुम आगे बढ़ना, कहीं अपनी एनर्जी को तुम व्यर्थ मत करना, तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए प्लानिंग करना, आगे बढ़ना। और जितने सास रूपी महानुभाव यहां बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा अपने बहुओं को मत सताना, याद कर तुम जब बहू थी तो तेरी सास सताई, अब तुम दूसरे को सता रही, तुम्हें तो सीख ले लेना चाहिए, तुम्हें तो शिक्षा लेनी चाहिए। और मदर इन लॉ, तुम कानून की माता नहीं हो, ये भारत देश है, यहां कहा जाता है मदर इन लॉ प्रेम की माता, मदर इन लॉ नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए मदर इन लॉ, यहां डॉटर इन लॉ नहीं होना चाहिए, डॉटर इन। और कितनी बहुएं हैं जिनके साथ जिंदा वो भी हाथ उठाएंगे, इनके लिए भी तालियां। देखो कुछ सासे भी बहुओं द्वारा पीड़ित है, एक तरफा बात नहीं करना चाहिए, कुछ सासे भी बहुओं द्वारा पीड़ित है। तो मैं उन बहुओं से भी कहता हूं कि तुम भी प्रेम की बेटियां हो, तुम इसलिए कि तुम मुझे कहते हो डॉक्टर इन लॉ, इसलिए वो प्रेम की बेटी है कि तेरा जो सबसे प्रिय बेटा है उसकी वो सबसे प्रियतम है, इसलिए प्रेम की बेटी हो गई। और वो तेरी प्रेम की माँ हो गई कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा प्रियतम है उसकी सबसे बड़ी आदरणीय प्रिय है माँ। तो मेरे बंधुओं, तुम प्रेम की माँ बने रहना और तुम प्रेम की बेटी बने रहना। कहते हैं कि अगर बेटा घर में हो तो बहुत बार चूल्हा नहीं जलता, घर में खाना नहीं बन पाता है, लेकिन बेटियां घर में हो तो मेहमान कभी भूखा नहीं जाता, मेहमान कभी भूखा नहीं जाता।